और ऊपर जो छत पर बैठे हुए लोग और पेड़ों पर जो चढ़ रहे हैं, इनसे बार बार कहा जा रहा है, फिर एक बार इनसे मेरा पुनः निवेदन है कि ये कुर्सियों पर आकर बैठने की कृपा करें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चौधरी विजेंद्र सिंह आर्य जी मथोड़ा। देखे माननीय मंत्री जी भवानी को पार कर चुके हैं, 10-5 मिनट में ही मंत्री जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप व्यवस्था बनाए रखेंगे, और मेरे भाई पुलिस कर्मियों से भी मेरा निवेदन है कि वो व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग करेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चौधरी विजेंद्र सिंह आर्य मथोड़ा को, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। एक मिनट आर्य जी, अगर आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजेश पहलवान जहाँ भी हो यहाँ अखाड़े के पास आने का कष्ट करें। राजेश पहलवान जमालपुर से। आज के इस शहीदी दिवस में इस समाज पीछे हो जाओ दूर दूर से आए हुए पहलवान बुजुर्ग और साथियों, माताओं बहनों, इस बहुत बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हो हमारे पिता तुल्य अजय पाल आर्य जी, और जो भी यहाँ पर बंधु पहुंचे हैं हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो ये कार्यक्रम एक वर्ष पहले होना था आज इसका आगाज शुरू होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ स्वर्गीय हरेंद्र पाटी जी की माता जी को, आप अपने को अकेला न समझे, ये सब आपके लाल यहाँ पर इकट्ठे हैं और आपके साथ कंधे से कंधे आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर समझदारी की जो लड़ाई करेगा ना अब भी सोच समझ करेगा। तो ये ना सोचे मुझे पता लड़ाई की उनको हमने मिटा दिया है, लेकिन वो मिटे नहीं है, अमर हो गई है उनकी आत्मा, आज अमर हो गए है। इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ यदि इस क्षेत्र में नाम है तो स्वर्गीय श्री हरेंद्र नागर जी का है, ऐसे साथी का जिसने क्षेत्र में विकास किया, इस गांव का विकास किया और गरीबों का जो सहायता की, ऐसे व्यक्ति को हमसे जो छीना है, लेकिन छीनने वाले ये आपको सबक सिखा के रहेंगे और ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ये कार्रवाई इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार इस धरा पर यहां पर अपने पैर रखने जा रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभ्यता का परिचय देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और मैं कहना चाहता हूं जो मंच पे है एक भी व्यक्ति, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके एक भी व्यक्ति खड़ा ना हो रह पाए, बिल्कुल बैठेंगे आराम से, सभ्यता का परिचय देंगे। जो भी सीटें खाली हैं उनको भरेंगे, और ये ध्यान रहे सावधानी बरतें चौक पर बैठे हुए इधर उधर, क्योंकि काफी लोग वहां पर जमा हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो नीचे आए और शांति व्यवस्था बनाए, आराम से देखें। बस ज्यादा मेरा कहते हुए फिर एक बार आपसे, आप जो पेड़ पर बैठे हैं भैया, पेड़ पर जो चढ़ रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, सबसे मेरा निवेदन है कि वहां पर ज्यादा न चढ़े, आप नीचे आ जाए और आराम से इस कार्यक्रम का जो कुश्तियों का आनंद ले, बहुत अच्छी कुश्ती आपके समक्ष आपके बीच। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजनकर्ताओं को और जो यहाँ पर पहुंचे हैं दूर दराज से, बहुत दूर दूर से यहाँ पर व्यक्ति पहुंचा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। मैं जिन पहलवानों के नाम लेऊंगा वही पहलवान अखाड़े ऊपर आए, ये निवेदन है। दोबारा और दूरों कुश्ती किसी की नहीं होगी, नहीं दोबारा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इस पर ध्यान रखें और व्यवस्था बनाए, देखिए बिल्कुल व्यवस्था बनाए, जिनका पहलवान आवाज आ जाएगा हमारे भी नहीं आएगा। ऐसे ही दुनिया देख ले, माननीय मंत्री जी वो बेचारे उदयपुर वाले बता चुके हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे, सभी तरह का प्रचार है।
बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनका।